नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द सेशन फॉर टुडे। तो आप सभी लोगों का अभी अभी रिजल्ट आया और मे बी यू आर द वन हु आर गोइंग टू अपेयर इन दिस सितंबर अटेम्प्ट। आप में से बहुत सारे बच्चे अभी फाइनल एग्ज़ाम्स भी दे रहे होंगे अपने कॉलेज के, ग्रेजुएशन के, एंड यू आर एस्पायरिंग फॉर CDS एग्ज़ाम, राइट? सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द स्ट्रेटजी, how you have to tackle with this examination, especially with the part of general studies, maths and english, everything I am going to discuss in this session. aur dusra, bahut sare bachchon ka question hota time management, we are not able to manage the time, or rather time management hi ek art hai jiske through aap paper ko control kar payenge, aap apne time ko control karke ek behtar output nikal payenge us taiyari mein। तो बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को समझना। और यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट डज नॉट मीन आपकी डेली रूटीन का टाइम, इट ऑल्सो मीन्स कि किस सब्जेक्ट को कितना का टाइम देना चाहिए हमें, कितना ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है समझना। तो सबसे पहले मैं आप सभी को, जिनका CDS का 2023 का क्वालिफाई हुआ, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएँ और आई रियली विश ऑल ऑफ यू वेरी बेस्ट फॉर द SSB पार्ट, राइट? बट at the same time you need to understand SSB process is a complex process, there are very high chances that you will get recommended from the first attempt itself, aur jo aap abhi SSB dene ja rahe hain, but main ye cheez aap sabhi ko kahunga ki agar aapke attempt bhi hain aur aapko serious effort dalna hai to sath sath taiyari sath sath chalti rehni chahiye। jinka paper reh gaya unke liye to strategy bahut zaruri hai और ये फॉलो करना ज़रूरी है विद द कमिंग ट्रेंड, जो आपका GS का नया ट्रेंड था, जो बहुत बच्चा कह रहा सर ट्रेंड चेंज हो गया, ये चीज़ें चेंज हुई, ट्रेंड नहीं, मैं कहूँगा क्वेश्चन का तरीका थोड़ा सा चेंज हो, और वो भी ट्रेंड नहीं है दोस्त, टॉपिक्स वही हैं, पेपर वही है और UPSC के टॉपिक्स भी बार बार वही हैं जहाँ से पूछ रहा है। हाँ, क्वेश्चन बनाने का तरीका थोड़ा सा टफ बनाना शुरू कर दिया उन्होंने, वो चीज़ हमें समझ नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर हम कहें कि पेपर बाहर से डाल रहा है, कुछ भी ऐसा डाल रहा है जो अटेम्प्ट नहीं हो पाएगा, नहीं जी ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्वेश्चन सारे के सारे पेपर से ही हैं। आइए ज़रा बात करता हूँ मैं। सबसे पहले दोस्त, सभी का एक प्रॉब्लम है इंग्लिश में, जिसके बारे बंदा बात ज़्यादा नहीं करता, उसको लगता कि इंग्लिश हो ही जाएगी, या जिसको लगता कि इंग्लिश हमें ज़्यादा फोकस ही नहीं करना, लेकिन ये सबसे बड़ी गलत फहमी है। आप सभी को ये चीज़ समझना पड़ेगा कि हमारा 90% का स्कोर, मतलब तुम्हारे पेपर का मेजर स्कोर जिससे डिसाइड होगा तुम्हारा अच्छा स्कोर है या नहीं, वो डिसाइड होगा इंग्लिश से, क्योंकि आम बंदा जो बिना प्रिपरेशन भी या जिसका बहुत अच्छे से अंग्रेजी के साथ तालमेल रहा शुरू से, दे आर एबल टू स्कोर वेरी वेल इन द पेपर, राइट? सो उनको हमें ठीक करना पड़ेगा, हमें इंग्लिश को फोकस करना पड़ेगा। इसके लिए मैं दो तरीके कहूँगा, एक तो रीडिंग ज़्यादा से ज़्यादा अपनी रखिएगा, रीडिंग का मतलब दोस्त न्यूज़पेपर पढ़िए टाइम के साथ, और फिर NCERTs पढ़िए, जिससे आपका एक तीर से दो निशाने हो जाए, एक तो आप NCERT पढ़ते रहेंगे, कंटेंट आपको याद होना शुरू होगा, और साथ साथ आपका उससे क्या होगा, GS की तैयारी और इंग्लिश की तैयारी दोनों का। लेकिन इंग्लिश की तैयारी में मैंने नॉर्मली बच्चों की गलतियां कहां पर देखी हैं, बींग ऑफलाइन भी मैं पढ़ाता ही हूं, तो व्हाट आई हैव सीन इन मोस्ट ऑफ द पीपल, दे हैव नेवर फोकस्ड ऑन रीडिंग पार्ट, उनको आराम से सेंटेंस समझ नहीं आते, ग्रामर में इतनी की प्रॉब्लम है कि पता ही नहीं इज कहाँ पर लगना, वॉज कहाँ पर लगना, हैव कहाँ पर लगना, हैड कहाँ पर लगना। तो ये क्लासेस को तो आपने मैंडेटरी करना ही करना ग्रामर के लिए, बट उसके अलावा ग्रामर सभी पढ़ रहे हैं, लेकिन समझने का कोशिश करना, याद रखना UPSC का हर इम्तिहान अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है, ये बहुत ज़रूरी है, इट्स मोर अबाउट अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स। ग्रामर अच्छे से पढ़िएगा, साथ के साथ वो कैप पे पहले दिन से फोकस करें। मैं ये चीज़ कहूँगा कि अगर आपको टाइम मैनेजमेंट करना है, 8-8-8 अपनी लाइफ में रूल बना के रखिए, 8 घंटे पढ़ाई, 8 घंटे रेस्ट, 8 घंटे आपने अपना टाइम जैसे मर्जी भी बतीत कीजिए, चाहे वो क्लासेस में लगा रहे हो। मेरा मानना है जब आप क्लासेस लगा रहे हो ना, कोई भी कोचिंग के या कुछ भी, दैट इज़ नॉट बेसिकली स्टडीज़, नॉट एट ऑल, आई वॉन्ट काउंट इट इन योर स्टडीज़, मे बी यू गो फॉर 3 आवर्स और 4 आवर्स कोचिंग, वहाँ पर आप सुनते हो,
वहाँ पर आप आपस में इंटरेक्ट करते हो। स्टडी वो है जो आप अकेले में पढ़ते हो, आपका कन्वर्सेशन, सिंगल कन्वर्सेशन किताबों के साथ हो रहा, उसको मैं स्टडी मानूंगा जी, ये याद रखिएगा। वो 8 घंटे आपके और किताब के बीच में पर्सनल आवर्स हैं, आपकी किताबों के साथ और उसके बीच में कोई भी इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। वो 8 आवर्स मैं आपको कह रहा हूँ आपने देने। गिनती के 24 घंटे हैं, मैं 8 घंटे नींद के दे रहा हूँ, उसको आपने कम करना, बढ़ाना बढ़ाइए। उसके बाद 8 घंटे जो पढ़ाई के हैं वो सिर्फ आपके हैं, वो पर्सनल है, मोबाइल सब कुछ बंद। बाकी 8 घंटे आप जो खेलना चाहते हो खेलो, कॉलेज जाना चाहते हो कॉलेज जाओ, जो करना करिए। उसमें से आप चाहे क्लासेस लगाते हो, अनअकैडमी पर लगाते हो, यूट्यूब पे लगाते हो, ऑफलाइन लगाते हो, कुछ भी करो, वो 8 घंटे वो हैं, याद रखना। आपका 8 घंटे सेल्फ स्टडी, राइट, ये ज़रूरी है समझना। अब उन 8 घंटों का प्रोसेस में मैं आप सभी को समझाना चाहूँगा, इन 8 घंटों को कैसे सूटेबली यूज़ करना। मैं कोचिंग के नहीं कह रहा, मैं आपकी पढ़ाई के कह रहा हूँ। उन 8 घंटों में आपको याद से 2 घंटे अंग्रेज़ी को देने हैं, 2 घंटे अंग्रेज़ी, 3 घंटे GS, 3 घंटे मैथ्स, ये प्लीज़ बांध के रखिएगा दिमाग में। 2 घंटे रोज़ के रेगुलरली सिंसेयर एफर्ट से, वो बहुत होते हैं याद रखिएगा, वो 2 आवर्स बहुत ज़्यादा हैं अगर आप सिंसेयरली पढ़ रहे हो उसको, टाइम रख के अकेले में पढ़ रहे हो, चीज़ें समझ भी आएंगी। अखबार पढ़िए, आपका अच्छा अंडरस्टैंडिंग होगा। रीडिंग हैबिट बहुत ज़रूरी है दोस्त, रीडिंग एबिलिटी से आपकी अंग्रेज़ी बनती है, याद रखिएगा, ये एक बहुत बड़ा सच है। मैं अपने तरफ अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो वही एक ज़रिया जिससे आप अंग्रेज़ी बढ़ा सकते हो। दूसरा हो सकता कम्युनिकेशन, पर वो अभी आपके काम नहीं आ सकता। तो एक तो रीडिंग, दूसरा आपने घंटे में ग्रामर, अपना सिलेबस को देखिए सामने क्या क्या चीज़ें हैं, और अपना जो पिछली बारी पेपर में गलतियाँ हुई उसको पहले डीमार्केट करिए। ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस में पिछली बारी प्रैक्टिस भी की थी आपने दोस्त, प्रैक्टिस होगी, स्पीड बढ़ेगी, टाइम कम लगेगा क्वेश्चन सॉल्व करने का और अच्छे से होंगे। तो बहुत ज़रूरी है आप पिछले 10-15 साल के पेपर लेके उनके ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस वाले सारे क्वेश्चन रोज़ के रोज़ सॉल्व करने का कोशिश करें, और भी हो सके तो टेस्ट सीरीज़ के पकड़िए, सॉल्व करना शुरू करिए जितना हो सके, बहुत बेहतर होगा आपका प्रिपरेशन। सही तरीका यही है जी, अगर आप 2 घंटे में कह रहा हूँ ना, तो घंटा तो पढ़ने में ग्रामर, आधा घंटा न्यूज़पेपर, 1 घंटा प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालाइज, पेपर सॉल्व करने में ज़रूर लगाएं, ये बहुत आपकी प्रिपरेशन को बढ़ाएंगे। अब आती है GS की बारी। GS 3 घंटे कह रहा हूँ तो 3 घंटे भी बहुत होते हैं, याद रखिएगा GS के पढ़ने के लिए। 1.5 घंटा अपना देखिएगा किस चीज़ को पकड़ना है, 2 सब्जेक्ट्स एट अ टाइम पकड़िए, और मैं ये कहूँगा पहले सब्जेक्ट्स कौन से पकड़ें जो ज़्यादा स्कोरिंग है। करंट अफेयर्स में मैं ये कभी नहीं कहूँगा कि यार करंट अफेयर्स के लिए आप स्पेशली अभी से फोकस करना शुरू करो, नॉट एट ऑल। हाँ, अगर पढ़ सकते हैं विजन के थोड़े बहुत एंटर करेंगे करंट अफेयर्स में, बाकी जितना करवाया जाएगा आपको इस चैनल पर यूट्यूब पर, दैट विल बी मोर देन इनफ। बट येस, करंट अफेयर्स हैव टू बी टेकन बिट सीरियसली, बट दैट डज नॉट मीन कि आप रोज़ का रोज़ करंट अफेयर में टाइम इन्वेस्ट करो, ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, ये चीज़ समझ लीजिए, समझ गए। अब कैसे पकड़ना इस चीज़ को GS में, ज्योग्राफी पॉलिटी का कॉम्बो बनाइए या ज्योग्राफी साइंस का। साइंस में तवज्जो दे के पढ़ना, ये हर सब्जेक्ट हकीकत में 1 महीने का, अगर आपको ये 3 महीने 4 महीने में करवाया जा रहा उतना आपको याद ही नहीं हो सकता जी, क्योंकि आपको पेपर देना भी गिनती के आपके पास है 100 दिन, बिल्कुल प्रॉपर 100-day स्ट्रेटजी है जो मैं बात कर रहा हूँ। आपको 2 सब्जेक्ट एट अ टाइम पकड़ने होंगे, याद रखिएगा, ज्योग्राफी पॉलिटी, ज्योग्राफी साइंस ऐसे, फिर पॉलिटी हिस्ट्री, पॉलिटी साइंस ऐसी चीज़ें पकड़ के रिविजन मारनी है। पहले 2 महीनों में जितना हो सके आपको सब्जेक्ट्स जल्दी जल्दी ख़त्म करने हैं। वंस यू आर डन विद दी सब्जेक्ट्स, आफ्टर दैट यू नीड टू स्टार्ट द रिविजन पार्ट। आपके पेपर से पहले 3 बारी रिविजन हो चुकी होनी चाहिए। मेजर सोर्स आपकी बुक्स का NCERTs है, क्लियर है, ओनली एंड ओनली NCERTs फॉर हिस्ट्री, फॉर ज्योग्राफी, फॉर साइंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू कवर द NCERTs। 99% क्वेश्चंस
आर फ्रॉम एनसीईआरटीज इन साइंस इन ज्योग्राफी एंड पॉलिटी. बीच में एनालिसिस होना चाहिए, एनालिटिक एबिलिटी होनी चाहिए. ज्योग्राफी में जैसे आप जितना हो सके अखबार देखें, करंट अफेयर्स पढ़ें, उनको रिवाइज करें, चीज़ों को कनेक्ट करने की कोशिश करें. आप मेरे से क्लासेस लगा रहे हैं, आपके लिए ये बिल्कुल ईजी हो भी जाएगा. अब बात करते हैं, ये तो हो गया ज्योग्राफी पॉलिटी साइंस के बारे. हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट्स को कैसे टैकल करें, क्या टैकल करना ज़रूरी है, इन दोनों के बारे भी बात करना चाहूँगा. बहुत बच्चा पहले नया नया तैयारी शुरू करता, कहता मेरे को हिस्ट्री नहीं कराई, आपने इकोनॉमिक्स नहीं कराई. मैं यहाँ पर एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा, हिस्ट्री को पढ़िए, नई एनसीईआरटी पढ़िए, न्यू एनसीईआरटी पढ़ें या स्पेक्ट्रम पढ़ें या तमिलनाडु टेक्स्ट बुक पढ़ें, यही कन्फ्यूजन ना चलता रहे. आप सोर्स एक रखें, उसको अच्छे से पढ़ें, क्लियर है. और साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाने का प्रयास करें. इस बार के क्वेश्चंस बहुत अच्छे थे, स्पेक्ट्रम से थे. जैसे सुभाष चंद्र बोस वाला क्वेश्चन था, उसके बाद एक पूछा उन्होंने किताब वाला, वो क्वेश्चन नई एनसीईआरटी जो मतलब मॉडर्न हिस्ट्री की हम पुरानी बुक्स हैं जिसको स्पेक्ट्रम कहते हैं, जो मैंने कोर्स करवाया भी हो, वहीं से थे जी, क्लियर है. तो वहाँ पर तवज्जो दीजिए मॉडर्न हिस्ट्री में, और बाकी एंशियंट मिडिवल में फोकस करना नहीं करना वो आपकी मर्जी है. याद रखिए टाइम लिमिटेड दीजिएगा हिस्ट्री को, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया तो काम ख़राब हो जाएगा. पहले उन सब्जेक्ट्स को पकड़ के कवर कर दीजिए जहाँ पर स्कोरिंग पक्का और जो आपके वीक है. हिस्ट्री में इसीलिए प्रॉब्लम है, ये चीज़ कह रहा हूँ. इकोनॉमिक्स अगर देखें तो वो कंटेम्प्रेरी आ रहा है, कभी कंटेम्प्रेरी आ रहा है, कभी स्टैटिक आ रहा है. तो इस पर मैं अगर बात करूँ हिस्ट्री इकोनॉमिक्स पे, इफ़ योर बैकग्राउंड इज़ फ्रॉम दिस सब्जेक्ट देन डेफिनेटली यू शुड गो फॉर इट. इफ़ योर बैकग्राउंड इज़ नॉट फ्रॉम दिस सब्जेक्ट डोंट गो टू मच इन टू डिटेल कि मैं IAS की रमेश सिंह पकड़ के सारी पढ़ लूँगा, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला. ट्रस्ट मी, आप बाकी जगह पे लूज़ कर जाओगे मार्क्स जहाँ पर गेन करने चाहिए. तो जितना पढ़ा उसको पकड़ी, हमें पेपर पार करना, PhD नहीं करनी, ये चीज़ याद रखें GS में. करंट अफेयर्स महीने के एंड में या संडे के संडे पकड़िए करंट अफेयर्स को, थोड़ा बहुत रिवाइज करिए, पढ़िए इनको साथ साथ. अब बात करेंगे दोस्त जो कि इम्पॉर्टेंट भी है सभी के लिए, और वो है मेरे भाई मैथ्स का. मैथ्स में बच्चा का स्कोर 30-40 से ऊपर उठ ही नहीं रहा, आधे से ज़्यादा डिफेंस में वो बच्चा जिसको मैथ्स नहीं आता और वो प्रेफर कर लेता OT है. तो आप पहले दिन से लूज़र बन चुके हो. मैथ्स को पढ़ना शुरू करिए. एडवांस मैथ्स में पहले दोनों को पैरेलली चला के रखिए, क्योंकि आपको एफकेट का पेपर देना, वहाँ पर एडवांस नहीं आएगा, वहाँ पर अरिथमेटिक है. तो एडवांस मैथ्स के लिए 1.5 घंटा रखिए, 1.5 घंटा ही अरिथमेटिक के लिए रखिए. बैलेंस्ड अप्रोच लेके चलिए, ये चीज़ मैं आप सभी को सजेस्ट करूँगा. आई होप ऑल ऑफ यू पीपल आर क्लियर अबाउट दिस थिंग. याद रखिएगा, ये मैं पहले भी कह चुका हूँ, पेपर क्वालिफाई करने के दो ही तरीके हैं, एक तो डेडिकेशन डिसिप्लिन और डिटर्मिनेशन. आप अगर डिटर्मिंड हो मेरे को इतना टाइम देना पड़ेगा, अगर एफर्ट्स दे रहे हो, डिटर्मिंड एफर्ट्स हैं, डेडिकेटेड एफर्ट्स हैं, तो आउटपुट आएगा ही आएगा. अगर आप एफर्ट्स नहीं दे रहे एंड यू आर जस्ट पासिंग द टाइम, देन यू विल नॉट गेन द रिजल्ट्स. सो स्टार्ट वर्किंग ऑन द थिंग्स. आई प्रोमिस यू, आई एश्योर यू, यू विल गेट बेस्ट रिजल्ट्स आउट ऑफ इट. अंडरस्टूड? तो आई होप यू पीपल आर वेरी क्लियर. घबराने का नहीं, पॉजिटिव रहने का, और हमेशा अपनी एक डायरी एक कॉपी साथ में रखनी जहाँ पर आप अपना प्रॉपर प्लान बनाओगे, क्या चीज़ें मैंने आज टारगेट रखी थी वो पढ़ी हैं कि नहीं, ताकि आप एक्टिव रहें. क्योंकि 100 दिन भी एक जर्नी को चलाना, इट्स अ टफ थिंग. लेट मी बी वेरी क्लियर, इट्स अ टफ थिंग फॉर यू, बिकॉज आपका कोई वैसा मोटिव नहीं है. आप डिफेंस एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, पर आप कई बारी कंसिस्टेंसी नहीं रखते. लेकिन अगर कंसिस्टेंट एफर्ट रही और सही तरीके से पढ़ते रहे, ये पेपर कभी रुक ही नहीं सकता. सो मेक श्योर यू पुट अप योर 100% एफर्ट्स इन दिस पेपर नाउ एंड लेट्स क्रैक इट, राइट? तो बिल्कुल क्वालिफाई होगा. अब एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी है जी, हमारे अनअकैडमी सेंटर चंडीगढ़ में ऑफलाइन बैचेस शुरू हो रहे हैं CDS के 15 मई से. अगर आप में से कोई भी रजिस्टर करना चाहता ज़रूर करें. दूसरा, ऑनलाइन कोई लगाना चाहता तो ऑनलाइन ऑप्शन आपको पता ही है, प्लस पे भी है. उससे भी एक और ऑप्शन है, अगर कोई बहुत ही फाइनेंशियली वीक है और बंदा पढ़ना चाहता है हमारे साथ, तो
तो वहाँ पर अब क्लासेस अवेलेबल होंगी अनअकैडमी स्टोर में। अगर कोई मेरे साथ जीएस पूरा पढ़ना चाहता है, दैट कोर्स इज अवेलेबल ऑन अनअकैडमी स्टोर, सो यू कैन चेक आउट फ्रॉम देयर। तो ये था जी आप सभी के साथ मेरा बात करना, अनाउंसमेंट करनी, और ये इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटजी और टाइम शेड्यूल बना लीजिए, उसके साथ एफर्ट्स डालने शुरू करिए, पक्का रिजल्ट्स मिलेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। जय हिंद एवरीवन।